और 11 साल लगे और 16 करोड़ रुपए अब उस हालात एनआरसी को कैसे मंजूर कर ले, इसका हम लोग विरोध करते हैं। काला कानून आपने निश्चित तौर पर जो देश के नागरिकों का हक छीन और देश के नागरिकों से कहे कि तुम प्रमाणित करो कि तुम देश के नागरिक, उसके बारे में क्या कहा है। देश में जिस तरह के हालात हैं तो क्या लगता है आपको कि ये सरकारों को सहमति लेना चाहिए थी उनके विकास के संबंध में? बात ये है कि किसी भी राज्य से इस बारे में चर्चा नहीं हुई, बिल को सेलेक्ट कमिटी में भेजने की हमारी मांग थी, उसको सेलेक्ट कमिटी में नहीं भेजा गया। केवल बहुमत के आधार पर लोगों को दबाव डालकर बिल पास कराया गया। रणनीति शुरू से है, भारत में विकास चाहते हैं, सभी भारतीय संविधान में सभी ज्ञान भारत के संविधान में विश्वास होना चाहिए और सरकार को भी विश्वास पैदा करना चाहिए। सरकार ने जो अभियान चला रखा है माफियाओं के खिलाफ, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ जी को। पूरे देश में यहाँ इस प्रकार के सरकारी जमीनें बिना मंजूरी के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है भैया, और इसका पूरा समर्थन।